वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं दिल्ली के बहुत ही फेमस ऐसे मूंग दाल के चीले जो पनीर से स्टफ किए जाते हैं वो बताऊंगी आपको। शादियों में भी अक्सर हम इसे खाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर पनीर का चटपटा सा स्टफिंग। तो चलिए उसके लिए देखते हैं जरूरी क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मूंग दाल और 2 टेबलस्पून जितनी चना दाल, यही एक इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमारे जो चिले हैं वो क्रिस्पी रहते हैं लंबे समय तक। और एक इंग्रेडिएंट है जो इसमें हमें डालना होता है, मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए धो के भिगो दिया था। अब ये फूल कर डबल हो चुका है, मैंने सारा पानी निकाल लिया है। दाल को मिक्सी जार में डाल दूंगी और जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है 1 टेबलस्पून जितनी सूजी। इससे हमारे चिले लंबे समय तक क्रिस्पी रहते हैं। इसे मैं 2 से 3 चम्मच जितना ही पानी डालकर अच्छे से पीस दूंगी। हमें एक गाढ़ा बैटर चाहिए, जैसे इडली की कंसिस्टेंसी होती है इडली के बैटर की, वैसी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून जितना पानी डालकर अच्छे से पीस लिया है। एकदम फाइन पेस्ट जैसा हमें पीस लेना है। एक बोल में मैं निकाल लूंगी बैटर को। ये देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, जैसे हमारी इडली का बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही गाढ़ा हमें चाहिए। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हींग डालेंगे और 1 चुटकी हल्दी। हल्का सा मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी, इससे इसका लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। बस मैंने 1/4 चम्मच जितना ही चिली फ्लेक्स डाला है और 1 टेबलस्पून जितना डालूंगी मैं हरा धनिया। अब सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा चिल्ले के लिए बैटर बनके तैयार है। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे देंगे। अब पनीर का स्टफिंग को रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जितना पनीर लिया है जिसे कद्दूकस करके ले लिया है। उसमें मैं मिलाऊंगी 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ कैबेज, 2 टेबलस्पून मैं मिलाऊंगी टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, इसे भी बारीक चॉप कर लिया है मैंने, तीखी वाली हरी मिर्च है वो मैं 1/2 टीस्पून जितनी लूंगी, तीखा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं डालूंगी हरा धनिया, 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना। थोड़ा सा डालूंगी नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, इसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं। अब हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। सारा प्रोसीजर हमें चीला बनाते समय ही करना है, पहले से नमक डाल के नहीं रखना है स्टफिंग में, नहीं तो पानी छूटने लगेगा, तो इस बात का जरूर से ख्याल रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर का मसाला बनके तैयार है। देखिए चीले का बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है अच्छे से। मैंने यहाँ पे तवा ले लिया है जिसे मीडियम आंच पर मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए गर्म कर लिया है। अब मैं बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स करके लूंगी। थोड़ा सा हमें थिक बनाना है, एकदम डोसे जैसा पतला नहीं करना है। देखिए अच्छे से फैला सकते हैं इसे। डोसे से थोड़ा मोटा और उत्तपा से थोड़ा सा पतला हमें फैलाना है। देखिए इस तरह से मैंने फैला लिया है। फैलाने के बाद तुरंत ही हम स्टफिंग इसके ऊपर रख देंगे। मैं हाथों से स्टफिंग डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मैं लगा सकूं। पूरे चिल्ले के ऊपर हमें अच्छे से स्टफिंग लगा लेनी है। एक पतला सा लेयर बना लेना है।
देखिए मैंने अच्छे से इसे फैला लिया है। थोड़ा सा हाथों से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये बैटर के साथ चिपक जाए। आंच को मैंने मीडियम और लो के बीच में रखा है। एक चम्मच जितना तेल सब जगह पे लगा देंगे, साइड में और थोड़ा सा बीच में। आप घी या बटर भी ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो के फ्लेम रखते हुए इसे हम नीचे की तरफ से कुक कर लेंगे। ये देखिए साइड निकलने लगी है, यानी कि नीचे का हमारा अच्छे से सिक चुका है। इसे पलट लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन क्रिस्प आया है, आपको नजदीक से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमने जो दो चीजें डाली हैं इसकी वजह से ये अच्छा खासा क्रिस्प रहेगा लंबे समय तक। अब नीचे से हमें सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए ही कुक कर लेना है। चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छे से देखिए क्रिस्प हो चुका है, ऊपर कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अब पलटने के बाद इसके ऊपर हमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेना है। दिल्ली की स्ट्रीट बाजार में इसे ऐसे ही सर्व किया जाता है। बस सिर्फ अभी 30 से 40 सेकंड के लिए ही हमें इसी तरह रखना है और डायरेक्ट सर्विंग में लेंगे। आप चाहे तो इसके रोल बना के कट करके भी सर्व कर सकते हैं और एज इट इज ओपन चिल्ले की तरह भी सर्व कर सकते हैं। मूंग दाल चिल्ले को मैं डायरेक्ट सर्विंग में ले लूंगी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और मजेदार पनीर के स्टफिंग के साथ बनाया हुआ दिल्ली स्टाइल, दिल्ली की स्ट्रीट मार्केट में मिलने वाला ऐसा चिल्ला हमने आज घर पे बहुत ही आसानी से बना लिया है। बहुत ही टेस्टी प्रोटीन से भरपूर ऐसा हमारा नाश्ता बनके तैयार है। मैं इसे हरी चटनी और मीठी चटनी, यानी कि जो इमली की चटनी आती है खट्टी मीठी, उसके साथ सर्व करने वाली हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये देखिए मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्प तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन प्रेस करने का ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर से दीजिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री में है चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।